देखिए बच्चों, आज आपको जो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के विषय में बताया जाएगा। इसमें आप सबसे पहले लगाइए एक्टिव वॉइस। क्या लगाएंगे? रेडी? वॉइस। ठीक है, वॉइस को जो है दो भागों में बांटा गया है। वॉइस के कितने भाग हैं? दो। दो। लिखिए इसमें वॉइस। एक हमारा है एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस। पहला कौन सा है? एक्टिव और दूसरा है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में जो है सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। क्या किया जाता है इसमें? सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। ठीक है, पैसिव में जो है ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। किसको दी जाती है? ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अब जैसे तुम्हारा कोई सेंटेंस हो सकता है, ही रीड्स ए बुक। ही रीड्स ए बुक, एग्जाम्पल में। ठीक है, तो इसमें क्या है? ही हमारा सब्जेक्ट है। जो बात कहता है वो सब्जेक्ट है और जो बात को सुनता है वो ऑब्जेक्ट। अगर हम बात कह रहे हैं तो हम सब्जेक्ट हैं, आप बात सुन रहे हैं तो आप ऑब्जेक्ट हैं। फिर इसमें जो ही है, ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट। क्या है सब्जेक्ट? सब्जेक्ट। और ए बुक क्या है? ऑब्जेक्ट। इतनी बात समझ में आई बच्चों? ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं? ठीक है, एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम, हेडिंग आगे आप लगाएंगे एक्टिव से पैसिव बनाने के पैसिव बनाने के नियम। क्या लिखोगे? एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम। तो सबसे पहला रूल लिखेंगे आप, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, यानी ए बुक पीछे है तो इसको हम आगे ले आएंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, फिर दूसरा रूल क्या लिखोगे? सहायक क्रिया। क्या लिखोगे? सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया क्या लगाओगे? लिखना दूसरे में सहायक क्रिया। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हमारा कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो सहायक नंबर दो ये लिखना, सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर लिखोगे आप नंबर तीन पे, सहायक क्रिया होंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की
थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, आई बात समझ। फिर उसके बाद में बाकी के अन्य शब्द लिखेंगे। इसमें फिलहाल कोई अन्य शब्द नहीं था जो हमने दिया था ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर कोई बाकी में अन्य शब्द दिए हैं, कभी कभी सेंटेंस बड़ा हो तो अन्य शब्द भी आते हैं, तो उसके बाद में अन्य शब्द लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अन्य शब्द लिखेंगे। ठीक है, फिर बी वाई बाई लगाएंगे। बी वाई बाई लगाएंगे और उसके बाद में क्या कर देंगे बच्चों, बताओ? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, उसके बाद में आपको ये तालिका बनानी होगी। इस तालिका में आपको बताया गया सब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस और इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा पैसिव में। तो इसका आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी। क्या होगा? मी। बी का अस, यू का यू ही रहेगा, दे का देम और इका हिम। इका क्या होगा? हिम। सी का हर, इट का इट्स, हू का हूम। क्या हो जाएगा? हूम। नोट करिए। देखिए बच्चों, इसमें टेंस एक्टिव वॉइस के जो टेंसों की संख्या होती है 12। कितनी होती है? 12 टेंस किसमें होते हैं? एक्टिव वॉइस में, यानी कि तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये सभी इसमें होते हैं। लेकिन जब इसका बनाते हैं पैसिव तो क्या होता है, वो पैसिव में ये चारों टेंस जो है ये कम हो जाते हैं। ठीक है, इन चारों का पैसिव नहीं बनता है। इसमें केवल कितने टेंस रह जाएंगे? 8। कितने रह जाएंगे? 8। तो इतना ये नोट करिए। फिर देखो, सबसे पहले हमारा आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या जाएगा? इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में वही सब रूल तुम्हें लगाने हैं, केवल दूसरा रूल हर एक टेंस में बदला जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब ध्यान देना बच्चों, पहला रूल वही लिखोगे। क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, हाँ वही लिखना। दूसरा हमने क्या लिखा आया था? सहायक क्रिया। अब इसमें सहायक क्रिया क्या लगेगी? इज एम आर। क्या लगाओगे? इज एम आर। किसके अनुसार लगेगी? कर्ता के अनुसार। कर्ता को देखकर तब लगाया जाएगा। इज एम आर का प्रयोग कैसे करेंगे? कर्ता के अनुसार। कर्ता के अनुसार लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद में तुम्हारा तीसरा नंबर वही रहेगा जो हमने लिखवाया था पैसे बनाने का नियम। तीसरे में क्या आएगा? थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्या लिखोगे? थर्ड फॉर्म लगाएंगे। फिर अन्य शब्दों को लिखेंगे और अन्य शब्दों के बाद में क्या लगाओगे? बी बाई लगाओगे और फिर
सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो आपका एक्सरसाइज इसमें दिया गया है, एक्सरसाइज 31 है। पहला सेंटेंस दिया गया है, ही रीड्स ए बुक। तो इसमें आपको बताना है क्या पहले सब्जेक्ट है और क्या ऑब्जेक्ट है। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये क्या है सब्जेक्ट है, ये क्या है ऑब्जेक्ट। तो पहला नियम क्या कह रहा था कि सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये बुक हमारी कहाँ जाएगी, आगे, आगे। तो यहाँ लिखो ए बुक। अब ए बुक एक वचन है कि बहुवचन, एक वचन। तो क्या लगाओगे, इज। रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड ही होती है। रीड की तीनों फॉर्म में सेम होती है, ठीक है। फिर क्या लगाओगे, बी बाई बाई का क्या हो जाएगा, हिम। अभी लिखवाया नहीं लिखवा।